हेलो डियर स्टूडेंट्स, सीएमए अगर आप एग्जाम दे रहे हो जून 24 में फाइनल का, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए क्योंकि मैं बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि आपको इस एग्जाम को सेल थ्रू करने में हेल्प करेगा। क्या क्या डेट्स है? सबसे पहला चीज ध्यान देना है, अगर आप दोनों ग्रुप देने वाले हो जून 24 में, तो आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खत्म हो गया होगा और इंस्टीट्यूट की तरफ से एक स्मॉल ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, वो अटेंड आपने कर लिया होगा, जिसके बिना इंस्टीट्यूट आपको दोनों ग्रुप का एग्जाम देने नहीं देगा। इस चीज का ध्यान रखें। हाँ, अगर आपको एक ही ग्रुप दे रहे हैं तो आपको ये दोनों करने का भी जरूरत नहीं है। आप एक ग्रुप देने के बाद ये सब करके फिर सेकेंड ग्रुप दे सकते हैं। सेकेंडली, 31 जनवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट फॉर यू टू रिमेंबर टू submit the registration form to the institute if you have not registered yet for June 24 examination. Thirdly, after 2 months of 31st Jan, which is 31st March, tak aapke paas ek aur date aayega, which is your date of filling of exam form. Institute ko exam form fill karke batana padta hai ki aap kaun se group ka exam doge. फोर्थली, अगर आप ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में कन्वर्ट हो रहे हो तो आपको इंस्टीट्यूट वेबसाइट में जाकर बिफोर दैट 31st मार्च डेट कन्वर्जन के लिए अप्लाई करना है। इसको भी भूलिएगा मत, कन्वर्जन ऑटोमेटिक नहीं होगा, 250 रुपीज़ का फीस देना पड़ेगा। इसके लिए हमने पहले भी वीडियो आपके लिए बनाया है, आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा, कन्वर्जन प्रोसेस का वीडियो। नेक्स्ट आता है, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम के लिए आपको अपने आप को तैयार करना है बाय वे ऑफ मॉक टेस्ट एंड रिवीजन, रिग्रस रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। तो SGC की तरफ से मॉक टेस्ट संग्राम, जो कि ऑल सब्जेक्ट्स का आपको न्यू सिलेबस के हिसाब से अब कराया जाएगा, उसका डेट है March 1st week। सो रिमेंबर दिस डेट एंड आपको उसके पहले ही मॉक टेस्ट संग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी पढ़ाई सारी ख़त्म करनी होगी और मॉक टेस्ट संग्राम आपका प्रिपरेशन को यहाँ से उठा के यहाँ पे बढ़ा देगा। आपके लिए अंधेरे में प्रिपरेशन का जो अंधेरा, उसमें उजाला ला देगा। नेक्स्ट एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रिवीजन पीरियड कितना होना चाहिए। यदि आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो 3 महीना फाइनल का रिवीजन के लिए लगता है, और अगर आप 2 ग्रुप दे रहे हैं तो कितना महीना लगता है रिवीजन का? डबल, 6 महीना। तो 2 ग्रुप जो दे रहे हो मेरे भाइयों बहनों, आपका रिवीजन पीरियड अब स्टार्ट हो गया होगा। आशा करता हूँ अब आप रिवीजन मोड में आ चुके हैं, और जिनका एक ग्रुप है, मेक श्योर कि 3 महीना हाथ में रख के आपका क्लासेस ज़रूर ख़त्म हो जाए। ये मुझे बताना अभी इसलिए ज़रूरी लगता है कि आज भी मेरे पास बच्चे आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि सर हम अभी स्टार्ट करेंगे और जून में दे देंगे, क्या पॉसिबल है क्या? तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप प्लीज़ इसको ध्यान से समझ के रखिए कि रिविज़न बिना पास होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। खाली एग्ज़ाम दोगे और बिना रिविज़न किए जाओगे तो फिर अटैम्प्ट लगेगा। तो अटेम्प्ट कम करना है तो रिवीजन को सॉलिड करना है। इस रिवीजन के पीरियड में आपको क्या क्या करना है, इस चीज़ का भी ध्यान से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट रिवीजन में आप क्या करोगे, जितना इंस्टीट्यूट मटेरियल आपको बोल रहा है पढ़ने के लिए, वो सारा पढ़ा है कि नहीं, उसको इंश्योर करना है, और उसी में जितने सवाल दिए गए वो सब सवाल आपको बना के देखने पड़ेंगे। जो नहीं बन रहे उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और वो पूरा एक राउंड कम्प्लीट करना पड़ेगा। उसी के दौरान आपका हर चैप्टर का समरी नोट्स भी बन जाना चाहिए, जो कि आपको एग्ज़ाम के पहले दिन रिवीजन करने में हेल्प करेगा। सेकंड रिवीजन में आप हमारा मॉक टेस्ट संग्राम का Phase 1 में भाग लोगे, जिसमें हर चैप्टर का हम लोग हर सब्जेक्ट का हम लोग 3 दिन टेस्ट आपका कराएंगे, 50-50 मार्क्स ईच। वो ऑनलाइन मोड में होता है और आप हमारे सामने आते हो, हमारे सामने बैठ के ऑनलाइन मोड में टेस्ट देते हो, हम कॉपी चेक करके आपको आपका प्रोग्रेस बताते हैं और उसमें आपका कमेंट्स भी लिख कर देते हैं कि आप कहाँ अच्छा कर रहे हो और कहाँ गड़बड़ कर रहे हो। इसके बाद हम आपको Phase 1 कंप्लीट कराकर Phase 2 में लेके आते हैं। Phase 2 ऑफ मॉक टेस्ट संग्राम फुल टेस्ट सीरीज होता है, जिसमें एक एक सब्जेक्ट का 100 मार्क का टेस्ट सीरीज होगा, टेस्ट होगा, एक ही टेस्ट होगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि एक दिन में जो आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल है, एक दिन में पढ़ना, वो कैसे पॉसिबल है। और इस दौरान बीच बीच में मेरे साथ काफ़ी सारे आपके स्टडी सेशंस भी होते रहते हैं, जिससे कि आपको एक नेक्स्ट लेवल बूस्ट मिले। और उसी
फेज को ख़त्म करने के बाद फिर आपको एक छोटा रिसेस दिया जाता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि सारे मिस्टेक्स को एक्यूमुलेट करो और उसके ऊपर वर्क करो, सो दैट वो एग्ज़ाम हॉल में ना हो। जो अभी भी कमज़ोर रह गया उसके ऊपर पढ़ो और फिर आप एग्ज़ाम हॉल में जाने के लिए रेडी हो जाते हो। और एग्ज़ाम के पहले दिन सिर्फ समरी नोट्स से और अपने मिस्टेक्स से खाली रिवाइज करके एग्ज़ाम में चले जाते हो। तो दैट्स हाउ द प्रिपरेशन ऑफ रिविजन इज़ डिज़ाइन। तो रिविजन में पहले आप इंस्टीट्यूट मैट कवर करें, फिर समरी नोट्स को बना लें, फिर फेज़ वन का टेस्ट सीरीज़ में पार्टिसिपेट करें, फिर फेज़ टू का टेस्ट सीरीज़ में पार्टिसिपेट करें, फिर छोटा सा रिसर्च लेकर सारे मिस्टेक्स को ओवरकम करके एग्ज़ाम के पहले के लिए तैयार हो जाएं। ये सब के बारे में और भी डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स हम लोग प्रोवाइड करते रहते हैं इन मोर डिटेल्स इन आवर स्पेशल सेशंस विथ मॉक टेस्ट सीरीज स्टूडेंट्स। सो आई विल लाइक टू सी यू इन मॉक टेस्ट सीरीज फॉर श्योर, विच इज़ फ्रॉम मार्च। एंड तब तक के लिए आप प्लीज़ अब इंस्टीट्यूट मैट लीजिए और इंस्टीट्यूट मैट को लेकर फटाफट प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। उसका हर टॉपिक आपका हो गया कि नहीं वो देखिए, और जो भी डेट्स और कंप्लायंस मैंने आपको बताया वो कंप्लीट करने का कोशिश करिए। इसके अलावा अगर कोई भी सवाल हो, कोई भी दिक्कत हो, तो हमारी टीम और मैं आपके लिए हमेशा उपलब्ध हैं। और आप इस चीज़ से ध्यान में रखें कि भाई हम तो आपके लिए लगे हुए हैं, आपको सीएमए बना के रहेंगे और आप सीएमए बन के रहेंगे। सी यू।